जय श्री राम, जय श्री राम। यहां तक रहा आपका प्रभु का पवित्र उपदेश, ठीक ना। देखे हमें छोटा से लेके गृहस्थ से लेके गुरु तक का उपदेश कल और आज के प्रसंग में है ना। अब बात आवा था, अब इतना तो होएगा, अब बरसात खत्म होगा, लेकिन सीता जी का सूत ठीक ने ते ई सरल बा, ई सरल बा, बिन में उतना दिमाग नहीं लगाओगे बा। तो कह रहे हैं प्रभु कि वर्षा गत निर्मल ऋतु आई, अशुधि न तात सीता कै पाई। हे भाई, वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु सीता जी की कोई खबर नहीं, ठीक ने। अभी माया के बात करत है, अभी वो ज्ञान से अलग बा, कहे कि लक्ष्मण जी तक के पता नहीं बा, नहीं बा, जान ले, लेकिन गणेश जी के पता हो, गणेश जी के पता हो। प्रभु जितना चाहिए उतना भ्रम रखिए, जब चाहिए जब देखिए एकदम पक्का बा तब निकलिए। अगर पक्का नहीं बा, सोचे कि ऐसा ही कंसेशन और रिश्वत से कुछ काम हो जाए, तो यहाँ कंसेशन रिश्वत नहीं चलत बा। सजू बा, तो कहते हैं कि एक बार कैसे हूँ सुधी जानू, कालहू जीती निमिख महुआनो। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में लेके आऊ। जने तो कतहू रहो जाओ जीवती होई, अतात जतन करी आनौ सोई। कहीं भी रहे यदि जीती होगी भाई लक्ष्मण, तो यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊ। जने देखो ये गुलीला अंदर बैठा भाई, अग्नि देव में भाई नु सब तो नहीं कंदरे बने, लेकिन बाहरे से ही है। और इतना नहीं, सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी, अपावा राज कोश पुर नारी। भाई लक्ष्मण, सुग्रीव भी मेरी सुधी भुला दिया है, क्योंकि क्यों भुला दिया है, क्योंकि उसे राज्य खजाना नगर और स्त्री मिल गई। तो जेके भवा राज्य खजाना नगर स्त्री ये चारों चीज अगर दे दिया जाए, तैसर कोई वीर पुत्र नहीं बजे कि प्रभु के भुला न दे। जने और कुल यही में देखा मस्त बहन, अपन नगर बना ले बहन, इतना बड़ा आश्रम बनाया बहन को एक नगर समझो नहीं, ही स्त्री भी वहां जाता ही, खजाना भी बा, तू व्यक्ति भगवान के याद करी। सुग्रीव जी जो सूर्य पुत्र थे वे तो भाई भुला दिए, और भूल गए, सही है भूल गए हैं। और ओकरे बाद जो है अब कुछ भगवान का राज्य बन है, बाली के मार के दहन है, है? तो देखो लीला का करो था, है?
लीला का होता है कि जय ही सायक मारा मैं बाली, ते ही सरहतो मूढ़े कह काली। जिस बार से मैं बाली को मारा हूं, कल उस मूर्ख को उसी बार से मारूंगा। आए कहा प्रभु राम जी, प्रभु राम जी ऐसे कहा था या नहीं? देखो यहां समझो, कहे कि जौन भाव वहां रहा बा, वो भाव आप लोगों के यहाँ दिया था। हाँ, ये प्रभु कही बाड़ी ऐसा ही कि उस मूर्ख ने भुला दिया मेरा काम, राज खजाना नारी नगर पा लिया। जिस बार से बाली को मारा हूं, कल मैं उसी मूर्ख को उसी बार से मारूंगा। लक्ष्मण जी के लगा कि तो प्रभु अब नाराज होता है। नहीं तो क्या लगा था, राम जी यहाँ क्रोध करत है? सरजू भाई, नहीं समझो, ही बात समझे के ताकत कहीं नहीं बा। ही बात पकड़ जा, कायदे से पकड़बा तब ही पकड़ लेबे। भगवान भोलेनाथ कह रहा है बात, जाने कैसे कहिए, पार्वती से कहिए, हम कैसे कहिए है? क्या कहते हैं कि पार्वती जासु कृपा छूटहि मद मोह, अता कहूँ उमा कि सपने हूँ कोहा। कब है कि पार्वती जेकरे कृपा से घमंड और मोह छूट जाला, का ओके सपने में भी क्रोध आ सकला? नहीं देखो समझो, यहाँ जो डांट मिलला एक भाव समझो, लोग भ्रमित हो जाने कि रवि गुरु बहुत गुस्सैल रहे कौन कभी जाने, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को बेवकूफ लोग नहीं जानते, इस बात को बेवकूफ, वो यह चरित कर रहे हैं तो उसके पीछे बड़ा रहस्य है, क्योंकि उनको वो अपना जो है लीला में पर्दा बचाना है, है ना? ये से दिखावो दे, देखा तुम्हें कि नहीं गुस्सा तुम कला, हाँ बता देते हूँ जने, तुम्हें नहीं सुनती खत्म हो कही रहो मैं एक कद भाई बताओ मैं कहा दुख पाए, ठीक ना? ये तमाम प्रकार के तो लीला हो तो ना, है ना? लेकिन ये चरित्र के शंकर जी कहते हैं कि एक मात्र ज्ञानी मुनि ही जान सकल है, सबके बस के बात। आप लोग भी देखा धीरे धीरे ज्ञानी बन गया है, नहीं तो जान नहीं यह चरित्र मुनि ज्ञानी, अजिन रघुबीर चरण रति मानी। हे पार्वती, ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग मान ली है, जिन्होंने प्रभु के चरणों से अपने प्रेम को जोड़ दिया पक्का पक्का, वे ही इस चरित्र यानी लीला रहस्य को जानते जने? जे जोड़े न रही ने वो न जानी, ठीक ने सुकरन भाई? अब देखा लक्ष्मण जी अभ्यान दे, ज्ञानी मुनि जहाँ था लेकिन सेवक सेवक का जहाँ भाव बने वो अपने सेवकाई के धुन में इतना मस्त रही कि हमने स्वामी के तन को क्रोध आयल न, तो फिर उनका क्रोध 100 गुना सेवक के सेवक का भाव अब यहाँ टेस्टिंग करत है।
कह के लक्ष्मण जी के सेवक भाव के टेस्ट होता ई माया जगत में। तो लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना अधनुष चढ़ाई गहे कर बाना। लक्ष्मण जी जब प्रभु को क्रोध युक्त जाने तब वे तुरंत धनुष बाण हाथ में ले माने वह होला कि अगर थोड़ा सा अगर स्वामी के अंदर हलचल बात तो सेवक के अंदर हाँ 100 गुना कहे कि वह जो नीति बा तो वो सही चरित्र बा उनमें कोनो गलत। तब अनुज ही समुझावा और रघुपति करुणा सीव अभय देखाई ले आवहू सात सखा सुग्रीव। सखा भगत नहीं भगत यहाँ कुछ चश्मा कही हम इनका गुवे नवा भगत है भगवान कथन सखा सुग्रीव। सखा भाव में देखा आप लोग आनंद का अनुभव करता है ना कि दिक्कत बा। तब दया की सीमा जान ले दया की सीमा श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाए और बोले कि हे भाई सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ उसे मारने की बात नहीं जने तो यहाँ तो ही बात बा अब इधर किस किंधा महल में का होता हनुमान जी बहन हुआ है तो जब राम जी के अंदर ही भाव चलता और राम जी उनके अंदर है बहन तो उन्हें ना पता लगी तो यहाँ पवन सुते हृदय बिचारा राम काज सुग्रीव बिचारा और निकट जाई चरणनि सिरु नावा चारिहु विधि तेहि कही समुझावा। इधर किष्किंधा नगरी में पवन पुत्र श्री हनुमान जी विचार किए कि यह सुग्रीव प्रभु को कार्य को भुला दिया ने तो वे सुग्रीव के पास जाकर के सिर नवाए। हनुमान जी सुग्रीव राजा है भाई तो सिर नवाए। और चार प्रकार से राजनीति होती है साम दान दंड भेद। पहले कायदे से समझिए न देवे न समझवे तो दाम देके समझिए कितना ले ले और मान जाए हैं साम दान। और फिर तीसर का भेद पैदा करिए याने भेद माने कह रहे वो ठीक नहीं हो ऐसा भेद पैदा करिए कि तू अपने आप पर छटक जा और जब न मन बे तो अंतिम में दंड यानी मार देंगे। यह चार प्रकार से लोग अपन तो चारों प्रकार की नीति कह करके हनुमान जी सुग्रीव जी को समझाते हैं। लोग कह लें कि आखिर के बतावे इतना सब कुछ पढ़ ले और इतना बड़ा साइंस कर सकल है
काहे नहीं सोचत है संसार के बारे में, ऐसा प्रश्न आवला। आखिर के मती मार्ग बा, इतना बढ़िया पढ़ाई करे बा, तो काहे नहीं सोचत। ऐसे यह चौपाई बा, और ये अनुभव में आएगा कि सुनि सुग्रीव परम भय माना, अभिषय मोर हरि लीन है ज्ञाना। जब हनुमान जी समझाते हैं तो उनको बहुत भय होता है और कहते हैं कि ये तो विषय हमारे ज्ञान का हरण। तो जहां विषय, कोई भी विषय में सोचे वहां पर ज्ञान का हरण होना निश्चित है, क्योंकि किसी भी सांसारिक विषय में सोचते हैं तो उसमें मद आ जाता है। ये एकदम निश्चित बात कि नाथ विषय समय मद कछु नाही, मुनि मन मोह करही छन माही। यह मुनियों के मन में भी जो सांसारिक विषय है क्षण मात्र में मोह पैदा कर देता, यही से भैया सांसारिक विषय के जगह अब जब पक्का पक्का जान गई ले तब वो सोचबे है। तो अब मारुति सुते दूत समूहा, पठवहु जहां तहां बानर जुहा। तो कहते हैं सुग्रीव जी कि हे पवन सुत, अब जहां तहां बानरों के झुंड रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो, माने उनको बुलाओ ने? और कहू पाख महू आवन जोई, मोरे करता कर बध होई। बुलाओ नहीं, उनसे जाके कह दो कि वो निकले, बुलाने की बात नहीं है। और वहां भेज करके दूतों को कहलवा दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो नहीं आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। जाने माने शक्ति। तब हनुमंत बुलाए दूत, सब कर करी सन मान बहुता। तब हनुमान जी दूतों को बुलवाए और सबका बहुत सम्मान करके, माने समझा बुझा करके, भय रूपीति नीति देख राई, चले सकल चर नन्ही सिर नाई। सबको भय और प्रीति, भय प्रीति और नीति तीनों चीज दिखलाए और सब बंदर चरणों में सिर नवाकर, बंदर यानी बंदर के वही दूत जो थे, सिर नवाकर चले चले, जहां जहां बंदर है वहां से आगे भेज देंगे। दूत लोग आए ठीक ना, तो इसीलिए भय दिखाना भी जरूरी, नहीं तो कुछ निकम्मा हो रही है ने। तो सीधी बात है, जिसको धर्म का आचरण नहीं करना है ठीक, ओ मुझे अपना कोई भी नाम देने की जरूरत ठीक ना, क्योंकि भाई अब मार्ग मिल गया, हम तो चलने वाले हैं। जिसको साथ देना हो दे, ना देना हो मत दे, क्योंकि मुझे किसी की आशा ठीक ना।
देखो यात्रा तो हो नाथ बड़ा तगड़ा, लेकिन बहुत सरल हो गणेश जी, नहीं चल देश जी, चल देश के और का। हाँ महाराज देश के। देखो यहाँ देखो ये तो बा प्रपंच वाली बात, ठीक नहीं, एमे सब मिली, सब जब सब चल दे हैं और ठीक वही समय पर लक्ष्मण जी, तो यही अवसर लची मन पूरे आए, अक्रोध देखी जहां तह कपि धाए, जाने इसी समय श्री लक्ष्मण जी नगर में आए और उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। लक्ष्मण जी का क्रोध देख के नहीं तो धनुष चढ़ाई कहा तब अजारी करऊ पूरे छार, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। अब देखो यहाँ नीति देखो जो इस संसारिक बा, लक्ष्मण जी कहते हैं धनुष चढ़ाकर कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा, जने भय दिखाओ थे जो प्रभु का आज्ञा बा। तब नगर भर को व्याकुल देख कर, व्याकुल हो गए सब, तब बाली कुमार अंगद जी आए। देखिए नीति क्या है, बाऊ के मारे बहन अब बिठवा बा, अब जाही तो उनका गुस्सा ठंडा नहीं, पिता के मार दे बहन अब लड़का बा है तो ठंडा ना हुई, और सीधे अगर सुग्रीव आ जाए तो बढ़ जाए ना। देखा यही से ये हनुमान जी नीति से भेजे हैं जाने, पहले बाली कुमार के भेजो कहे कि जाई तो प्रभु लक्ष्मण जी के क्रोध धीरे धीरे शांत, जाने तो एक बात हमेशा आप लोगों से कहला है यार, संकोच डरे हो रहे की जरूरत, एकदम निडर रहो, संकोच त्यागो, एकदम सफा सफा जहाँ बुद्धि हो वहां से बात करो, वहां से रास्ता मिली आगे, यह ना होला बात। ये लक्ष्मण जी का चरित्र बा, ई का बा कि चरण नाई सिरु बिनती कीनी लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। अंगद जी जाके चरणों में प्रणाम करके विनती करते हैं, तब लक्ष्मण जी उनको अभय बाह यानी कि भुजा में उठा के कहते हैं कि डरिए, अभय बाह यही होता है कि डरने की आवश्यकता। तो क्रोधवंत लक्षी मन सुनी काना कह कपि सयति भय कुलाना। और जब कहें कि अभी भस्म कर डालूंगा नगर को, तो कान में सुग्रीव ही बात सुन लिया भाई। तो अत्यंत व्याकुल हो गए, अत्यंत सुग्रीव जी व्याकुल हो गए और कहे, देखिए नीति लग कितना कर रहे हैं, क्या कहत आय व्याकुल हो गए सुन के, तो लक्ष्मण कुमार जो जलाई दी है कुल नहीं, तो क्या कहत आय पहले तो भेजन बाली कुमार अंगद जी के, ओकरे बाद सुनु हनुमंत असंगल तारा अकरी बिनती समुझाऊ कुमारा। कहते हनुमान जी तारा के लेके जा बाहर और विनती करके लक्ष्मण जी के न,
तो उनके अब बाली के मारे बन जब तारा मेरा रूप जाता का सामने आ जाई तो क्रोध था आसान। देखा ये सब नीति बा इतना सरल हाँ सीधे अपने नहीं है ना, धीरे धीरे जब ठंडा करके देखा था ना। तो तारा सहित जाई हनुमाना अचरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हनुमान जी तारा सहित गए और चरणों की वंदना कर कर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करके और प्रभु के सुंदर यश का बखान ने क्रोध। अब तारा के देखते तो क्रोध ने बेचारी के पति लौकिक दिशा में यह कुल होला ठीक ना। तो करी बिनती मंदिर ले आए अचरण पखारी पलंग बैठाए। सुयस का बखान करके फिर विनती करके लक्ष्मण जी को महल में ले आते हैं और उनका चरण धो करके पलंग माने कि सिंहासन पर बैठा दिए। अब यहाँ आते हैं सुग्रीव जी, हनुमाना जी पैर धो करके बिठाए ठीक न। तब कपीस चरण सिरु नावा अगही भुज लक्ष्मी मन कंठ लगावा। तब आकर सुग्रीव जी चरण में माथा टेकते हैं और लक्ष्मण जी उठा करके अपने गले लगा। यह नीति बना क्या करवे, लेकिन उतना भाव रहे तब न। यहाँ तो छुट्टा के समझियान करिए रात में किच किच करे बैठ बिया हो के समय तब वो सवेरे गले मिले में ने फोटो खिंच रही है तो फोटो वाला कहे कि ठीक नहीं अलग बार फिर से मिलो भाई बड़ा नौटंकी बा। यही से कहें कि अगर अंदर था पक्का नहीं हो तो कोई से रिश्ता जोड़े की जरूरत। अरे भाई रवि गुरु गैन शरीर छोड़ के जाने पूरा जीवन में देखे ने कोई जगह भाव पवित्र नहीं। माता जी का उनका भाव पवित्र रहा पक्का, काहे कि उनका माता जी एक बात कह रही कि बच्ची कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हार जो मंजिल हो के पीछे मुड़ के कभी मत देखो, जा माई के दूध से उद्धार होगी ले लाल। ये बोले भाई कहे कि पवित्र भाव का व्यक्ति जब धरती पर रही है तब न पवित्रता आगे बढ़ी जने। ओकरे बाद जब लगा लेहन लक्ष्मण जी हृदय से तब हाथ जोड़ के कहता है यही बात कि नाथ है विषय समय मद कछु नाही अमुनि मन मोह करै छन माई। क्षण मात्र में एको क्षण लगत नहीं और विषय मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर देते जने। यहाँ बढ़िया बढ़िया बात समझाते तब से कोनो चमार आके वहां बैठे और सरजू भाई लेके डंडा फटकारे जानत होगा ना वो ठीक ने। कहे कि मन के स्थिर करबा वो जब देख करके गुस्सा आ जाला ने वह समारे के बाबा देख के सुन के सुंघ के चख के छू के कोनो भी स्तर पे लीला जब समझबे तब न आई पक्का समझे के बात नहीं बा। लीला जब पक्का कर लेबे भाव में तब न आई जाने। और लीला के जगह जो है तिक तनको जो है कि नने के छूट दे ले तने खड़ाक से मन तक बात पहुंचावा लीन और गलती तो सुनत बिनीत
बचन सुख पावा लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। अब देखो जब ऐसे कहता कि प्रभु विषय के समान कोनो मद नहीं हो सकत, ये तो मुनि के मन में भी क्षण मात्र में क्षोभ पैदा कर देतो नाथ जने। तो जब विनम्र बाणी लक्ष्मण जी सुने तब लक्ष्मण जी को सुख प्राप्त हुआ और बहुत प्रकार से समझाए ये न। तो पवन तनय सब कथा सुनाई अजेही विधि गए दूत समुदाई। तब पवन पुत्र हनुमान जी जिस प्रकार से सब दिशाओं में दूत गए, बता दिए कि प्रभु हम भेज दिए, मरे दूत जाकर के काम कर रहे हैं, वह सारा हाल सुनाए सही सही। यो बताएं कि भैया भेजे है मने कि वहां झूठ के कहीं जगह आवा के पहले भेजा जने कहीं झूठ का जगह नहीं, बस सोचे में नहीं जगह बा, ठीक न। यहाँ से संभाला जाब आप लोग सोच में न, ऐसा ने को सोच के जगह मत दे जौन झूठ बोले पे मजबूर कर दे। कर्म और बाणी तो दूर का बात बा, और जब यहाँ से बंधवे तब वह जाके मामला आगे ठीक। तो हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिशास रामानुजयागे करी आए जह रघुनाथ। जने तब अब जब शांत माहौल होएगा तब अंगद जी आदि बानरों के को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे सुग्रीव जी हर्षित होकर चले और श्री राम जी जहां जहां मैंने कहा प्रवर्षण पर्वत पर जहां पर थे वहां पर आ जाने, और आकर के क्या करता है दंडवत राम। तो बस यही भाव में पूरा जो है रात भर और काल दिन भर रह जा प्रभु के, तब एकरे आगे का बात समझ में। तो इसी वाणी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सुग्रीव भाई सहित सभी भक्तों की जय।